आप जुड़ चुके हैं लाजवाल न्यूज के साथ और मैं प्रीति सर। इस वक्त हम गुजर बकरवाल बॉयज पीजी हॉस्टल में मौजूद हैं, जहां पे बॉयज की तरफ से जो है हंगर स्ट्राइक, साइलेंट हंगर स्ट्राइक रखी गई है और यहां पे बच्चों का आरोप है, जो यहां की जो वार्डन है उन पे आरोप है कि यहां पे जो खाना है जो क्वालिटी वाइज है बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि पर स्टूडेंट पर डे यहां पे 100 रुपीज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा से मिला जाता है। और अभी जानेंगे कि इनका क्या कहना है और ये क्यों हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। खाने इसलिए नहीं खा रहे, हमारे लिए पीछे जाता है 100 रुपये और हम चाहते हैं हमें 100 रुपये का पूरा खाना दिया जाए। और हम 2-3 महीने से हम देख रहे हैं तो हमें पूरे 100 रुपये का खाना नहीं दे रहे। हम छोटे बच्चे तो नहीं है, हमें पता नहीं, हमें अपने राइट्स का, हमने हक का, हमें अपनी सारी चीज़ों का पता है। हम जो 100 रुपये आता है वो एक बच्चे के लिए सेपरेटली नहीं आता, वो अलग से पैसे आते हैं। और जब हम भी कोई भी बात करते हैं हमें बताते हैं जाके आप होटल में खाना खा लो, यहाँ खा लो, वहाँ खा लो। जब होटल में जब वो खाना बनाते हैं वो अपने प्रॉफिट भी निकालते हैं, जो उनके काम करने वाले उनके पैसे भी अलग से आते हैं और जो होटल का किराया होता है। अगर आज की हम बात करें, आज खाना जो बना हुआ है आपने सुबह से खाया नहीं, अभी हमने टेस्ट भी किया, खाना तो अच्छा बना हुआ है। मैम जो आज की बात है, मैम रोज की बात है, हमने शाम को इनको बोल दिया, हमने शाम को मैम हमारे साथ मीटिंग करने आए थे, हमने मैम को बोला मैम हमारे साथ बैठ के इशू डिस्कस कर लो पीसफुली, हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, आराम से बैठ के पीसफुली प्रोटेस्ट पीसफुली हम आपसे बात करते हैं और बात यहीं पे खत्म होती है। आपकी मैम का कहना है कि मैंने इनको मीटिंग पे बुलाया 4 बजे लेकिन ये 5 बजे आए। मैम मेरी बात सुनो, कल हम 6 बजे मीटिंग में बैठे, कल हम 4 बजे मीटिंग के लिए बैठे, मैंने 1 घंटे ऑफिस में बैठे, मैम खुद 5 बजे आए और 10 मिनट यहाँ पे दसी और 10 मिनट भी कोई इशू डिस्कस ही नहीं किया गया। अब 10 मिनट के बाद मैम उठ के जाती हैं, बोलते हैं मैंने बेवरोस करना है। और 2 दिन बच्चे थे मैम, उन्होंने बोला मैम हम मुझे इशू को यहीं पर डिस्कस करना चाहते हैं और अगर कोई बात नहीं बनती तो हम यहीं पे बात को सॉल्व करेंगे। मैम ने हमारे साथ इशू को डिस्कस ही नहीं किया, 2 मिनट में मैम वहाँ से उठे और उठ के चली गई। मैम फिर हमने बोला मैम रुक जाओ, एक हमारे भाई हैं सीनियर भैया, उन्होंने बोला मैम आप हमें लिख के दे दो कि आप ये खाना मैम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैम उठ के चले गए। मैम फिर 2 दिन बच्चों ने बोला मैम बोलते हैं यहाँ से अगर आपको यहाँ पे अच्छा खाना नहीं लग रहा आप चल के बाहर चले जाओ। और यहाँ पे बच्चे उनके पास किराया नहीं कॉलेज में जाने के लिए, खुद पैदल जाते हैं। पहले हमारा कजवानी हॉस्टल था, बच्चे सुबह 6 बजे वहाँ से निकलते थे और 8 बजे यहाँ से 2-2 घंटे पैदल चल के जाते थे। मैम दूर दराज के यहाँ पे सबसे जो प्रॉब्लम बच्चों की वो गरीब है मैम, उनके पास पैसे नहीं और इस चीज़ के लिए उनको दबाया जाता है कि आप हक ना मांगो। मैम ये मैम लास्ट ईयर बहुत अच्छा खाना था कि मैम जो पिछले 10-15 दिनों में ये बात की हो गया कि जो 60-80% जो मेनू है वो कट कर दिया गया। इतनी महंगाई भी तो नहीं हुई मैम, जो बजट है गवर्नमेंट भी बजट साल में एक बार निकालती है। ये कौन सा रूल है मैम, दूसरे दिन यहाँ पे नया बजट आता है, कभी यहाँ पे 40% घटा देते हैं, कभी 50% घटा देते हैं, जो भी करते हैं अपनी मर्जी से उठा के करते हैं। यहाँ तो आज तक स्टूडेंट की कोई कमेटी नहीं है, खाना कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है किसी को कोई पता नहीं है, क्या हो रहा है। मैम मैं यही बोलूंगा जो हमारा मेनू है वो इन्होंने चेंज किया, जो हमारा पहला मेनू था हमें वही मेनू चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी अफसोस की बात यह कि हम अपनी बात किसके सामने रखें, जब हम किसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को उनको एक आंसर होता है लीव द हॉस्टल, इसके अलावा वो कोई हमें आंसर नहीं मिलता, तो अब हम किससे शिकायत करें। अब हम वही बोलते हैं कि हमारा जो 100 रुपीज़ आ रहा है पर स्टूडेंट पे वो हमें यूटिलाइज किया जाए। थैंक यू। मेरा यही कहना है कि जो खाना जो मिलता है ये बिल्कुल पोअर क्वालिटी का खाना है, ये खाने का काबिल ही नहीं है, खाने का काबिल ही हमारा खाने का। हम ये कहते हैं जो पुराना मेनू था वही होना चाहिए, जो नया मेनू बनाया इस पर लिखा है कंसेंट ऑफ द इनिमेट ऑफ द स्टूडेंट, ये कोई भी कमेटी बैठी नहीं अपनी मर्जी से बना दिया। मैम से पूछा मेन्यू के बारे में, ये जब डिस्कस किया था तब स्टूडेंट से बात हुई, बात हुई थी काफ़ी नहीं, मैम ने बताया कि स्टूडेंट से बात नहीं हुई, वो खुद बनाया उन्होंने अपनी मर्जी से बनाया और किसी बच्चे ने उसके मैम के साथ बैठ के नहीं मेन्यू में कोई डिस्कस नहीं किया और मेन्यू में जो चीज़ रखी गई है। मैम का कहना है कि हम खाना काफ़ी अच्छा देते हैं इनको जिस तरीके के लिए चाहते हैं और बच्चे सब अच्छे मिलकर खाते हैं, लेकिन सबसे ये प्रॉब्लम आपको चल रही है। ये प्रॉब्लम लास्ट 2 मंथ से चल रही है और मैम बोल रहे हैं जो अच्छा खाना आज अच्छा बना, इसलिए मेरा थॉट सोच रहे थे सेक्टर साहब आए थे यहाँ पे और सेक्टर साहब ने बोला वर्बली बोला और हमने सोचा मैम करेंगे, सेक्टर साहब से बात हुई थी कि मेनू जो है वो चेंज किया गया है और सेक्टर साहब ने वर्बली बोला था कि ये चेंज हो जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन मैम ने उसके ऊपर खड़े नहीं उतरे और मैम ने कुछ उसमें अपलोड नहीं की। अभी तक तो सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, यहाँ पे नहीं पहुँचे, हम सुबह से हंगर स्ट्राइक पे हैं और कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं किया और 9 वायलेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं तो उस पर हम बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी हाल नहीं हुआ, कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का यहाँ पे नहीं आया, कोई भी बंदा यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया। वार्डन मैम आए सुबह और वार्डन मैम ने हमें हम उससे बात की वार्डन मैम से कि यहाँ पे आ जाओ, मैम बाहर नहीं आए
वहाँ पे मीटिंग में नहीं आए और वो अंदर ही आपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई भी बच्चों से बात नहीं की और ना ही यहाँ पे कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आया। अभी तक हम हंगस्ट टाइप हैं, अगर नहीं आए लास्ट अभी इसके बाद 5 दिन चले या 10 दिन चले तभी हम हंगस्ट टाइप हैं। जब तक कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आता ट्राइबल फेयर का तब तक हम नहीं जाते। अब आपकी क्या डिमांड जी? मैम बस डिमांड यही है जो ये सारे बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, सर महफल जो बोलूँ तो ज़माने को खटकता हूँ, मैं चुप रहूँ तो अंदर की बगावत मार देती है, बस और कुछ आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि स्टूडेंट्स की एक ही मांग है जो उनको पर डे पर स्टूडेंट को 100 रुपीज़ मिलता है, उसकी जो क्वालिटी है और जो खाना है वो 100 रुपीज़ नहीं मिलता है, वो इनकी एक ही मांग है। जो 100 रुपये हमारे हिस्से का आता है उसी तरीके का जो प्रॉपर खाना है वो हमें मिलना चाहिए। इसी के चर्चे पे अभी हम डिपार्टमेंट की तरफ से उसके मुताबिक उनको क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं मीडिया खुद यहाँ चल के आया है और मीडिया ने सब चीज़ें खुद भी यहाँ पर देखी हैं, खाना भी चेक किया है, सफाई भी चेक की है, तो मैं इतना ही बोलती हूँ कि कुछ चीज़ों में इन बच्चों के साथ हूँ मैं इसलिए साथ हूँ क्योंकि जो हमें यहाँ पर 100 रुपीज़ मिलता है बच्चों के लिए, कहीं ना कहीं आप इंसाफ देखिए कि एक 6th क्लास का बच्चा जो गुजर बकरवाल हॉस्टल में पढ़ रहा है उसके लिए भी 100 रुपया है और एक जो पी जी बच्चा है, जवान बच्चा है जिसने एट अ टाइम जो है वो पेट भर के खाना खाना है उसको भी 100 रुपया। पर मैम उनका कहना ये है स्टूडेंट्स का, आपके जो पी जी स्टूडेंट्स का, कि जो 100 रुपया मिलता है उसमें 100 रुपये का हमें खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता। मैम आप यहाँ बैठ के आपने मेन्यू चेक लीजिए, आप इसको मीडिया पे डाल लीजिए, आप चेक करवा लीजिए किसी से कि इस मेन्यू में अगर कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि जो मैं गलत दे रही हूँ या मतलब 100 रुपये से कम दे रही हूँ तो मैम उनका बच्चों का आरोप ये है कि जो आपने मेन्यू सेट किया है उस मुताबिक जो है खाना उनको नहीं मिलता है। मैम ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। उनका ये भी कहना था कि जो पहले मेन्यू बना गया था उसमें बासमती चावल मिलते भी उनको जो गलत जो चावल है वो नहीं मिल रहे। लेकिन सर आप सब जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जो भी रन होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें CAPD के चावल रखे हैं, बट बदकिस्मती से पिछले 1 साल से या 2 साल से हमें वो मिले ही नहीं क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें चल रही थी। हमने उसको भी प्रोसेस किया है कि एक बार वो चीज़ें यहाँ आ जाएं तो मे भी इनका मेन्यू और हैक हो जाए अच्छे से और हमें बना। तो कहना जो पुराना मेन्यू था वो बिल्कुल सही था, जो भी नया वो भी मैम कहने का मतलब कि पहला भी 100 रुपये में भी एडजस्ट हो जाता था। मैडम देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो खाली एडमिनिस्ट्रेशन तक रहती है, हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है, हम हर चीज़ ओपनली नहीं बता सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है कि किसी ना किसी तरीके से इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा नहीं है कि भाई उस वक्त भी हमें प्रॉब्लम आती थी लेकिन हम किसी ना किसी तरीके से मेरे जो हायर अथॉरिटीज है किसी तरह से मैनेज करते थे। लेकिन बच्चों का कहना है कि सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने बोला कि मेन्यू चेंज कर देंगे 2-3 दिन में, लेकिन जो वार्डन मैम है उन्होंने ये जो ऑर्डर है नहीं माना। मैम आप बताइए कहाँ ऑर्डर है, कहाँ रिटर्न है? अगर जो चीज़ मुझे रिटर्न भी आएगी मैम मैं कैसे भी कंप्लाइंस करूँगी, मुझे तो कंप्लाइंस करना मेरा बॉस अगर मुझे कोई चीज़ रिटर्न में भेज रहा है और मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वाई शुड आई अवॉइड दैट थिंग। और जिस तरीके से बच्चे हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं अगर बच्चा खाने नहीं खाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मैम मैं तो एज अ मदर उनको मनाने आई थी, सुबह से बात कर रही हूँ, कल भी मेन्यू पे डिस्कशन करने के लिए स्पेशली आई थी इसलिए कि भाई विंटर का मेन्यू शुरू हो रहा था तो उनकी कुछ चीज़ें मुझे पता करनी थी, सुबह की चाय का शाम की चाय का क्या लेने, मैं तो उस हिसाब से यहाँ बात करने आई थी। बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स के अपने पर्सनल ग्रजेस हैं जिसकी वजह से वो लीडरशिप अपना बनाना चाहते हैं और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि 18 से 1st सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इस टाइम में ये बच्चे जो है इस तरीके से छोटे बच्चों को भी जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनका टाइम जाया कर रहे हैं। मैम इनकी स्टडी सफर ना हो, ये अपनी पढ़ाई में टेंशन अपनी पूरी अटेंशन दे तो क्या करेंगी अगर इन्होंने अपनी स्ट्राइक को नहीं तोड़ा तो? मैं स्ट्राइक तोड़ने की बात नहीं है, मैं सुबह यहाँ 11 बजे की बैठी हुई हूँ और मुझे ये कहा गया था कि मैम हम 4 बच्चे आपसे आके बात करेंगे और मैंने वेलकम किया है, आई एम वेटिंग, 2:30 बज गए हैं, कोई बच्चा मेरे पास यहाँ बात कर, सर 2 बच्चे आए थे और उन 2 लड़कों के साथ ये कोई बच्चे आने को तैयार नहीं थे, क्या क्योंकि वो पॉजिटिव हैं, हमको पता है कि क्या चीज़ें गलत है क्या सही है, तो उनके साथ मैंने इतना कहा सब बच्चों के सामने बात करो। मैम इनका सोल्यूशन क्या है, इस बात का सोल्यूशन क्या है? मैम हर बात का सोल्यूशन है टेबल टॉक जी,
टेबल टॉक होगी, बात होगी, मैं यहाँ से कोई चीज उठा के अपनी हायर अथॉरिटीज को बताऊंगी, अपनी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए मैं बैठी हूँ, मेरी प्रॉब्लम सुनने के लिए हायर अथॉरिटीज बैठी है, और उनके ऊपर वो खुद जो डिसीजन लेंगे, जो ऑर्डर मेरे पास आएगा उसको कंप्लाइंस किया जाएगा। अभी आपको क्या लगता है कि जो मेन्यू है वो चेंज होगा कि नहीं होगा? सर इट डिपेंड्स ऑन कि भाई अगर हायर अथॉरिटीज इनका जो है हैक तरीके से वार्डन मैम से बात हुई, उनका कहना है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों से जो है टेबल टॉक करूं और बच्चे मेरे पास आएं और हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो इनकी हंगर स्ट्राइक है वो तोड़ने की और बच्चे इससे ज़्यादा सर्वाइव ना करें। और उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑर्डर करती है तो हम अच्छा फूड जो है प्रोवाइड करेंगे। अगले अपडेट्स के लिए जुड़ी रहेगा मैं प्रीति शायद लाजवाल न्यूज़ ड्राइंग का। जय हिंद।